हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी मेट। स्वागत है आपका जी मेट में। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सभी मित्र बहुत ही बेहतरीन होंगे मेरे भाई। तो एक बार सभी मित्र जल्दी से अपनी क्लास में जुड़ जाएं, जिससे कि हम लोग अपने जो क्वेश्चन हैं और बेहतरीन ढंग से मेरे भाई कर सके, ठीक है? और पिछला रिवीजन आई होप सभी ने किया होगा, और आज क्वेश्चन भी पूछेंगे हम पिछले वाले, ठीक है? दो चार दिन वाले पिछला रिवीजन भी करेंगे मेरे भाई, ठीक है? ये 14वें नंबर की मेरे भाई क्लास है, ठीक है? बिल्कुल, ये सभी को पता होगा। एक्सप्रेस अपनी दौड़ रही है डेली के डेली। जितने एग्जाम नज़दीक आएगा मेरे दोस्त, उतनी ही स्पीड अपनी एक्सप्रेस दौड़ेगी, ठीक है? क्योंकि आपको इस ट्रेन के इस डब्बे में यहाँ पर बिठाना मेरे दोस्त, यहाँ पर, ठीक है? बहुत बढ़िया बात है, सपनों के शहर में ले जाना मेरे भाई। ओके, ये अपना जीमेट प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पर जिसने सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को आगे जल्दी से मेरे भाई सब्सक्राइब कर ले। ओके मेरे भाई, बहुत बढ़िया बात है। और अभी ये ड्रीम एएलपी बैच मेरे भाई चल रहा है, ठीक है? जिसकी फीस मात्र 2199 रखी गई है, ठीक है? जिसमें कंप्लीट एएलपी बैच रहेगा मेरे, तो सीबीटी बन रहेगा, जिसमें सीबीटी 2, साइको, ट्रेड थ्योरी सब कुछ अवेलेबल रहेगा, ठीक है? लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मेरे दोस्त रहेगी, पीडीएफ नोट्स रहेंगे मेरे भाई, टेस्ट सीरीज रहेगी, पिछले साल के जो भी प्रश्न पत्र पूछे गए उनका डिस्कशन भी होगा इसमें, ठीक है भाई? बहुत बढ़िया बात है। वीकली टेस्ट होते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट, फ्री वॉइस फैसिलिटी, और वैलिडिटी कब तक रहेगी मेरे भाई? टिल एग्जाम तक, ठीक है? और डेली आपका जो साइको टेस्ट होता है मेरे दोस्त, डेली यहाँ पे अवेलेबल रहेगा मेरे भाई। और उसके बाद बाइलिंगुअल बैच होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आप इसका सुविधा इसकी भोग सकते हैं, ठीक है भाई? बिल्कुल, जिसको इंग्लिश में दिक्कत आए वो हिंदी में ले ले, और जिसको हिंदी में देखना हो वो हिंदी में ना देखता हो वो इंग्लिश में देख ले, ठीक है भाई? बिल्कुल जी। एक अभी कंप्लीट एएलपी बैच है जिसकी वैलिडिटी में दोस्त 12 मंथ है, जिसकी फीस मात्र कितनी है 1620 रखी गई है, ठीक है? ये भी बाइलिंगुअल बैच होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश का, ठीक है भाई? इसमें भी सीबीटी 1, सीबीटी 2 प्लस साइको होगा, ठीक है भाई? ये कूपन कोड लगा के RRB10 लगा के आप ये डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है भाई? बिल्कुल जी। जिसमें भी इसमें भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, पीडीएफ नोट्स होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, पिछले साल के जो भी प्रश्न पत्र उनका डिस्कशन होगा मेरे भाई, और उसके बाद आपका वीकली टेस्ट और ऑल इंडिया टेस्ट भी होंगे, ठीक है भाई? बिल्कुल बढ़िया बात है। ये अपना जिसने अपना प्लेटफॉर्म डाउनलोड ना किया जीमेट, वो जल्दी से जाके डाउनलोड कर ले, ठीक है भाई, प्ले स्टोर से। उसके बाद ये अपना यूट्यूब के सेशन है, सुबह 7 बजे से करंट अफेयर, उसके बाद फिटर की क्लास चलती है, उसके बाद मैथ की क्लास चलती है, जनरल साइंस की, उसके बाद मैथ की क्लास चलती है, ठीक है? ये सभी यूट्यूब की टाइमिंग है, ठीक है? टाइमिंग आपको टाइमिंग तो देख ली होंगी आपने, ठीक है भाई? जिसने ठीक है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ ना करना पड़ेगा, थोड़ा सा नाम भरो यहाँ पे, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड भरो, और स्टेट भरो यहाँ पे, और लॉग इन कर लो मेरे भाई, ठीक है? रजिस्टर कर लो, ठीक है भाई? ऐसा फ्रंट खुल के आ जाएगा, यहाँ पे अपना मोबाइल, जो भी ईमेल एड्रेस है या फिर अपना फोन नंबर डालो, यहाँ पे जो पासवर्ड है वो डालो, लॉगिन कर लो, ठीक है? यहाँ पे सारे कोर्स अवेलेबल रहेंगे, जिस थ्योरी का आपको कोर्स लेना वो आप ले सकते हो बेहतरीन ढंग से, ठीक है मेरे भाई? ये पेमेंट मोड है, किसी भी माध्यम से आप बहुत बेहतरीन ढंग से पेमेंट कर सकते हैं, कोई आपको असुविधा नहीं होगी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से आ जाएँ और जल्दी से इसमें अपनी अपनी दिमाग लगा दें भाई। बहुत बढ़िया बात है, क्या बात है सर, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, बहुत गजब समस्या है भाई। पीडीएफ का ही नहीं मिल रहा आपकी बात? हाँ भाई, पीडीएफ क्यों नहीं मिल रहा है? अभी मैं बात करता हूँ भाई, ठीक है? अभी मैं बात करता हूँ, पीडीएफ क्यों नहीं मिल रहा मेरे दोस्तों को? इतनी दिक्कतें क्यों दी जा रही हैं भाई, हैं? पीडीएफ भाई टाइम से डालो, ठीक है? चलो मैं अभी कहता हूँ, ठीक है भाई? बहुत बढ़िया बात है। यह बताओ, हाल ही में अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बैठने वाला, बताओ। जो अमेरिका का मेरे दोस्त एक कौन सा एक पुरस्कार है मेरे दोस्त, कौन सा ये मेरे भाई, कौन सा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता बताना? कृष्णा कबीलाल जी ने जीता है भाई, या फिर बेलोडमीर जेलेंस्की जी ने जीता, या एस्ले वाल्टी ने जीता, या फिर डॉक्टर ऑगस्ट यूनान ने जीता? जल्दी से इसका जवाब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, ठीक है? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। इसका जवाब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यानी कौन सा सर, बता दो जल्दी से, प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? इसका जवाब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, ठीक है? बहुत बढ़िया बात है। एक मुझे जल्दी से बता दो, पेरिस सरकार द्वारा गॉड ऑफ ऑनर, ठीक है? पेरिस का गॉड ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया था? गॉड ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया था? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के, गॉड ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया था? एक बार जल्दी से इसका जवाब दे दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है? गॉड ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया था, ठीक है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त बैठेगा, ठीक है? और एक क्वेश्चन मेरे दोस्त बैठेगा, टाइम्स मैगजीन द्वारा मेरे भाई, टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला था, ठीक है?
पर्सनैलिटी, ठीक है पर्सनैलिटी, ठीक है पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला था जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, ठीक है पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला था, दोनों अवार्ड इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त बैठेंगे, तो इसका जवाब क्या रहेगा, इसका जवाब मित्र रहेगा कृष्णा कबी लाल जी को यह अवार्ड मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बैठ जाएगा, ठीक है यानी कि अमेरिका द्वारा यह पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे दोस्त बैठ जाएगा, ठीक है बिल्कुल जी, इसका जवाब क्या रहेगा, बिल्कुल इसका जवाब ऑप्शन बी नहीं रहेगा मेरे दोस्त, इसका जवाब ऑप्शन ही रहेगा, ठीक है भाई बहुत बढ़िया बात है, इसका जवाब आपने जल्दी से दे दिया, क्या बात है, इसका जवाब दे दिया कि नहीं दे दिया, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से दिया, इसका जवाब क्या रहेगा, पेरिस द्वारा गॉड ऑफ ऑनर सिक्के से सम्मानित, इसका नाम इनका नाम क्या था, इनका नाम था सर जो अपने जो यानी कि थल जो आपके थल सेना प्रमुख उनका नाम क्या है, मनोज पांडे, ठीक है भाई मनोज पांडे जी को किसके, जनरल मनोज पांडे जी को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है मनोज पांडे जी है उनको ये पुरस्कार दिया गया, इंपॉर्टेंट पुरस्कार मेरे भाई बनेगा याद कर लो, ठीक है पूछा जाएगा गॉड ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया, बताएंगे मनोज पांडे के, ये कौन है सर, ये तो आपने बता दो ये कौन है, इनका नाम है वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, ठीक है वोलोडिमिर, ठीक है ज़ेलेंस्की जी हैं, ये कौन है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ज़ेलेंस्की, ठीक है ज़ेलेंस्की जी हैं, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है भाई बिल्कुल जी टाइम मैगज़ीन, ठीक है पावरफुल व्यक्ति में, ठीक है भाई बिल्कुल जी डटे हुए हैं रूस के सामने, ठीक है भाई बिल्कुल जी, तो ये पुरस्कार किसको मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है बिल्कुल जी, तो ये इनका मिला कौन सा, इनका नाम है पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिले दोस्त, मिला का नाम है वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, इसका बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब किसका रहेगा, इस सवाल का जवाब रहेगा जो मैंने लिख दिया नीचे, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो अभी, ठीक है बिल्कुल जी 2022 में दोस्त यानी कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम है हिलाल ए पाकिस्तान, हिलाल ए पाकिस्तान किसे दिया गया था जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, हिलाल ए पाकिस्तान किसको दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बैठने वाला है, हिलाल ए पाकिस्तान किसको दिया गया था, ठीक है भाई बिल्कुल जी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, फिजिक्स के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है बोल्ट्जमैन, ठीक है बोल्ट्जमैन अवार्ड किसे मिला था जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, ठीक है भाई बिल्कुल जी, बोल्ट्जमैन अवार्ड किसे मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त क्वेश्चन बैठने वाला है, आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके छाप के जल्दी से बताओ, आर्मी के ठीक है आर्मी चीफ कौन है, इनका नाम है मनोज पांडे जी को यह पुरस्कार दिया गया था, बहुत बढ़िया बात है मेरे दोस्त, ठीक है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठेगा, ठीक है बहुत सुंदर, ये बता दो अभी बोल्ट्जमैन अवार्ड और कौन सा हिलाले पाकिस्तान अवार्ड किसको दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरे दो जल्दी से मुझे बता दो, ठीक है भाई बिल्कुल जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से दो क्वेश्चन जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, ठीक है एक बार जल्दी से बता दो, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड भी बता दो, चलो इंपॉर्टेंट बैठेगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड, जब अवार्ड की बात करिए बुकर अवार्ड भी बता दो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में छाप के, और एक तीसरा बता दो मेरे दोस्त दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला, ठीक है दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता, फाल्के अवार्ड कैसे मिला जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, ठीक है इतनी चीज चार क्वेश्चन बता दो मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, इसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, ठीक है सॉरी क्या कह रहे भाई, हो गया क्या, हो गया नहीं मिल पाए दिए सर, हो गया मैं क्या कह रहे भाई तुम, अरे भाई अभी कितना भी नहीं पढ़ाया तुमने, तो कैसी बातें कर दी, अभी कुछ नहीं पढ़ाया, अभी देखो थोड़ा सा पढ़ाया, क्वेश्चन चल ही रहा है अपना, ठीक है तो बोल्ट्जमैन अवार्ड मेरे दोस्त फिजिक्स के क्षेत्र में दिया था, इस किसको मिला सर बता देंगे, दीपक धरजी को, किसको दीपक धरजी थे, इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बैठेगा फिजिक्स के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार में भाई कौन सा, बोल्ट्जमैन, ठीक है ये कौन सा, एक अंतर बुकर अवार्ड कैसे मिला, इनका नाम है गीतांजलि श्री, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये पहली महिला है, ठीक है गीतांजलि श्री को अवार्ड मिला है, ठीक है भाई एक मिला सर दादा साहब, इनका नाम है आशा पारेख, ठीक है आशा पारेख इनका नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बैठ जाएगा, ठीक है भाई आशा पारेख इनका नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसे मिला ये बता दो, हिलाल ए पाकिस्तान ये किसका मिला, इनका नाम है बिल गेट्स, ठीक है इनका नाम क्या है, बिल गेट्स जी को ये पुरस्कार मिला है, इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त क्वेश्चन बैठने वाला है, ठीक है पूछा जाएगा बताओ हिलाल ए पाकिस्तान अवार्ड किसे मिला है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम मेरे दोस्त है बिल गेट्स इनका नाम है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन मेरे भाई आपके बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है तो इसका जवाब क्या रहेगा, कृष्णा कबी लाल का बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई बैठ जाएगा, कौन सा प्रेसिडेंट अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई बैठने वाला है, एक क्वेश्चन मुझे जल्दी से आप बता सकते हैं, अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में क्रिटिक्स सर्कस में सर्वेश निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला था जल्दी से, न्यूयॉर्क ठीक है न्यूयॉर्क ठीक है न्यूयॉर्क, ये तो आपके हाल ही में प्रश्न, न्यूयॉर्क ठीक है क्रिटिक्स क्रिटिक्स सर्कस ठीक है क्रिटिक्स सर्कस में
निदेशक का, ठीक है, बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे मिला, ठीक है, बिल्कुल निदेशक का पुरस्कार, निदेशक बोले तो डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला था, यानी कौन सा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, बिल गेट्स, हिलाले पाकिस्तान, ठीक है, बिल्कुल जी बहुत बढ़िया बात है, यानी किस निदेशक को यह पुरस्कार मिला था, केटिक सर्किट में, न्यूयॉर्क में केटिक सर्किट में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे मिला था, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप, या मैं अमेरिका की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाप के बता दो, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में, एस एस राजमौली, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब है सर, एस एस राजमौली उनका नाम है, और किसके निदेशक हैं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप दो, किस मूवी के निदेशक इनको ये पुरस्कार मिला था बता देंगे, ट्रिपल आर, ठीक है, सभी लोगों ने ये मूवी देखी होगी, ट्रिपल आर बहुत बेहतरीन मूवी है, ठीक है, बिल्कुल इसने धूम मचा दिया, ठीक है, बिल्कुल जी, इसी के निदेशक को कौन को, किटिक्स सर्कस का बेस्ट निदेशक का अवार्ड किसे मिला था, इनका नाम था आर आर के, एस एस राजमौली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के पहाड़ों में, ठीक है, बिल्कुल रेन है मेरे दोस्त, रेन बेबलर चिड़िया की प्रजाति खोजी गई है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के इसका, ट्रिपल आर मूवी उसके निदेशक है, बिल्कुल बढ़िया सुंदर जवाब है, अगर मूवी की बात की जाए मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया बात है, क्या बात है, सुंदर तरीके से सभी भाई बिल्कुल सुंदर तरीके से जवाब दे रहे हैं, एक बार क्लास को शेयर भी कर दिया करो मेरे दोस्त, हाल मजा आ जाए, ठीक है भाई, बता दो यानी कि रेन बेबलर, ठीक है, बिल्कुल जी, 1988 में पहली बार इस चिड़िया को देखा गया था, ठीक है, भारत में, ठीक है, 1988 में पहली बार इस चिड़िया को देखा गया था, ठीक है भाई, बताओ अब इसकी खोज कहां, किस राज्य में मेरे दोस्त, किस राज्य में इसको मिला, कहां पे मिली है मेरे भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, बहुत बढ़िया बात है, इसका जवाब जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, बहुत मजा आने वाला है मेरे दोस्त, इतने अगर आपने इसका जवाब दे दिया मजा आएगा मेरे भाई, ठीक है, जल्दी से बता दो, ठीक है, बिल्कुल इसका जवाब क्या रहेगा, इसका जवाब मेरे दोस्त ये देखी गई कहाँ पे, ऑप्शन ए, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब है सर, अरुणाचल प्रदेश में सर इसको देखा गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको, इस प्रजाति की खोज की गई, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब क्या बैठेगा, ये क्या होगी, एक बहुत मधुर गाती है, यानी कि इसकी पहले इसको रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है भाई, बिल्कुल जी, 1988 में पहली बार देखा था, लेकिन 2022 में इसकी खोज कर ली गई, ठीक है भाई, 2022 में इसकी खोज कर ली गई इस चिड़िया की, ठीक है, बिल्कुल बहुत सुंदर चिड़िया होती है मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल जी, बहुत मधुर आपको गाती है ये, ठीक है, गाती क्या, जो भी सुरीली इसकी बहुत मधुर आवाज है, ठीक है भाई, गाती है कि नहीं गाती है देखो जल्दी से, ठीक है, यहाँ के सीएम जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के दो, इनका नाम क्या है, इनका नाम है सर पेमा खांडू, ठीक है, पेमा खांडू सर यहाँ के सीएम है, और यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के आप लोग बता दो, ठीक है भाई, बिल्कुल जी, डोनो पोलो हवाई अड्डे का नामकरण कहाँ किया था, वो भी सर कहाँ पे, सर बता देंगे, कहां पे, अपना अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया था, इसका जवाब क्या रहेगा, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई बैठने वाला है, ठीक है, सबसे पहले बता दो इसका जवाब क्या रहेगा, इसका जवाब मेरे दोस्त रहेगा बीडी मिश्रा, क्या नाम है, बीडी मिश्रा सर यहां के कौन है, बीडी मिश्रा सर यहां के कौन है, गवर्नर का नाम है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों बैठ जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जी, एक क्वेश्चन पूछा गया, डोनो पोलो हवाई अड्डा का कहां पे उद्घाटन किया गया, डोनो पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन कहां पे किया, हवाई अड्डा का उद्घाटन कहां पे किया गया था, ये करंट का क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ये भी सर कहां पे, अरुणाचल प्रदेश का, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब प्रदेश, ठीक है, बिल्कुल जी, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है मेरे दोस्त, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, बहुत सुंदर बात है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल बता दो, बता दें सर कैपिटल तो क्या है, ईटानगर, बिल्कुल सुंदर सटीक जवाब, ईटानगर सर इसकी कैपिटल है, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के, यहां के नेशनल पार्क का नाम क्या है, यहां पे एक नेशनल पार्क, उसका नाम जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, नामदफा नेशनल पार्क, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई बैठने वाला है, क्या, नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क, इसका बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई नाम बैठ जाएगा, जो कि आपको याद होने, देखो स्टैटिक भी हमने तैयार कर ली, देखो तीन क्वेश्चन तैयार हुए, सबसे पहली बात तो हमने करंट के क्वेश्चन याद किए, देखो सबसे पहली बात वहां के सीएम याद हो गए, गवर्नर याद हो गए, और वहां के हवाई अड्डे का नाम याद हो गया, जो अभी हाल ही में उसका उद्घाटन किया गया था मेरे दोस्त, और यहां की कैपिटल भी मुझे याद है सर, यहां के नेशनल पार्क का भी नाम याद, देखो चार से पांच क्वेश्चन एक क्वेश्चन में तैयार हुए, बिल्कुल इसी तरीके से मेहनत करते हुए इसका जवाब करेगा, इसका जवाब मेरे दोस्त रहेगा क्या, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई बैठ जाएगा, ठीक है, एक बार ये बता दो मुझे, ऐसा कोई मित्र है जिसको सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर याद ना हो, बिल्कुल सर हमने ना कोई क्लास स्पेशल की, हमने बबकी इसी क्लास में याद कर लिए, तमिलनाडु के जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, कौन गवर्नर है, कौन वहां के मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश और केरल के तीनों राज्यों के मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप के बता दो, तो मजा आ जाएगा, ठीक है भाई, हाल ही में केंद्र सरकार ने रूप टॉप सोलर योजना का को कब तक बढ़ा दिया, जल्दी से बताओ, यानी कि जो छतों के ऊपर जो सोलर यानी कि प्लेट है मेरे दोस्त, उसको यानी केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई जाती है, ठीक है भाई, इसको कब तक बढ़ा दिया गया, ठीक है भाई, यानी कि इसको रजिस्ट्रेशन करके आप अपने घर पे भी सोलर लाइट लगवा सकते हैं, ठीक है भाई, घर, ठीक है भाई, बिल्कुल इसका जवाब क्या रहेगा,
नाम दफा बिल्कुल बेहतरीन जवाब है मेरे भाई। तो बता दो केंद्र सरकार, ठीक है भाई बिल्कुल जी, ये बता दो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो। ये बता दो ऊर्जा मंत्री कौन है सर, ऊर्जा मंत्री कौन है यानी कि एनर्जी मिनिस्टर कौन है, ऊर्जा मंत्री सर कौन है प्रेजेंट टाइम पे, तो बता देंगे आर के सिंह, ठीक है कौन है आर के सिंह सर इसके मंत्री हैं, ठीक है आर के सिंह सर इसके मंत्री हैं, ठीक है भाई बिल्कुल जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताओ किस कब तक बढ़ा दिए, तो बता देंगे सर 31 मार्च, ठीक है 31 मार्च तक आप 2021 तक इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है आप रजिस्ट्रेशन करके इसको केंद्र सरकार द्वारा आराम से इसको पा सकते हैं, ठीक है भाई बिल्कुल जी। जो भी रजिस्ट्रेशन के जो भी होते फॉर्म आप अपने घर पे भी ये लगवा सकते हैं, ठीक है भाई बिल्कुल जी। ये बता दो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, यानी कि सौर ऊर्जा संचालित, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा, भारत का विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के। आर्यन रवि बहुत बढ़िया बात है, गुरु जी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, ठीक है चलो इसका मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो। बिल्कुल सुंदर जवाब है, इनका नाम क्या है, एम के स्टालिन सर इनका नाम है, एम के स्टालिन इनका नाम है, और आर एन रवि सर कौन है, आर एन रवि सर यहाँ के गवर्नर हैं मध्य प्रदेश के, कौन इनका नाम है मंगू छगन भाई पटेल हैं, और ये कौन है इनका नाम है सर, इनका नाम जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, इनका नाम क्या है, इनका नाम है सर मंगू छगन भाई पटेल, शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है केरल के कौन है इनका नाम सर, पिनाराई विजयन है, और मोहम्मद आरिफ खान सर कौन है, यहाँ के गवर्नर है, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, यानी कि ये बता दो सौर ऊर्जा संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना, तो बता देंगे इसका नाम है कोचीन, ठीक है कोचीन, ठीक है केरल का हवाई अड्डा है, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कौन है सौर ऊर्जा, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित, कि पूरी तरफ से ये सौर ऊर्जा पे निर्भर ये हवाई अड्डा है, ठीक है भाई बिल्कुल जी। सौर ऊर्जा संचालित कहना पूर्ण रूप से हवाई अड्डा कौन सा मैं दोस्तों, बता देंगे कोचीन हवाई अड्डा कहां पे स्थित, बता देंगे केरल के अंदर, ठीक है बिल्कुल जी। ये पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है, ठीक है भाई बिल्कुल जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बैठ जाएगा। और ठीक है सब सौर ऊर्जा में प्रथम राज्य कौन सा है, ठीक है सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा तो बता देंगे राजस्थान उसका पहले नाम पर रहेगा, ठीक है बिल्कुल जी। कोचीन हवाई अड्डा बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई बैठे जाएगा, ठीक है इतनी चीज अगर आपने याद रख ली तो मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो जो क्लास में जैसे मैं आपको गवर्नर याद किया, अब गवर्नर को आप स्पेशल कोई क्लास भी नहीं करनी पड़ेगी, जैसे करनी पड़ेगी तो हम करवा देंगे, वैसे आपको याद होंगे मेरे दोस्त जितने भी क्लास डेली देखते हैं उनको याद जरूर होगा, ठीक है तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन बनेगा सौर ऊर्जा 24/7, ठीक है बिल्कुल एक क्वेश्चन मैंने आपको बढ़ाया था 20 यानी कि 24 घंटे 7 दिन, ठीक है सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव घोषित कौन सा हुआ था, सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव कौन सा घोषित हुआ, सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव कौन सा घोषित हुआ था, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, ठीक है सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव कौन सा घोषित हुआ था मेरे भाई, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, बहुत बढ़िया बात है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब करेगा। बता देंगे सर मोडेरा गांव कहां का था, मोडेरा गांव था मेरे दोस्त, मोडेरा गांव कहां का था बता देंगे, गुजरात का गांव था, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई बैठने वाला है, ठीक है मोडेरा गांव कहां का, गुजरात का सर। 24/7 सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव कौन सा था, इसका नाम मोडेरा गांव था, ठीक है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जहां पे सूर्य मंदिर है, ठीक है भाई वो वाला गुजरात, वो वाला उड़ीसा वाला सूर्य मंदिर नहीं है, कोडार का सूर्य मंदिर नहीं है, ठीक है वहां पे भी सौर मंदिर है, ठीक है बिल्कुल याद रखोगे, ठीक है वही मेरे दोस्त 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा था, उसका नाम था मोडेरा गांव, कहां का सर गुजरात का, बिल्कुल बेहतरीन और सुंदर जवाब मेरे भाई बैठ जाएगा, ठीक है। और पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बता देंगे, कोचीन हवाई अड्डा, बिल्कुल सुंदर सटीक जवाब है, ठीक है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बैठ जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया बात है। इस चीज़ को अगर आपने जान लिया तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल बढ़िया मॉडेरा गुजरात, बिल्कुल बढ़िया बात है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है ये क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई, एग्जाम में पूछा जाएगा बताओ सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा, तो बता देंगे कोचीन हवाई अड्डा, ठीक है भाई। और पूछा जाएगा 24/7 सौर ऊर्जा संचालित पहला गाँव कौन सा, मेरे बता देंगे उसका नाम मोडेरा गाँव है, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बैठ जाएगा। ये बता दो हाल ही में जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए ब्रिटेन और किस देश के साथ समझौता किया मेरे भाई, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, बताओ जल्दी से। अभी हाल ही में मेरे दोस्त यानी कि ब्रिटेन और किस देश के साथ, यानी कि ये फाइटर जेट है मेरे दोस्त, बताओ किसके साथ समझौता किया, इसका जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो। अभी बता दो बीबीसी द्वारा भारत की कितनी महिलाओं को, ठीक है 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया, और एक और एक फोर्ब्स की सूची में जो 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की जो निर्मला सीतारमण है उनका स्थान कौन था, जल्दी से बता दो। फोर्ब्स की सूची में मेरे दोस्त निर्मला सीतारमण जी हैं जो भारत की वित्त मंत्री है, निर्मला सीतारमण जी हैं मेरे दोस्त, सीतारमण जी हैं जो भारत की वित्त मंत्री है मेरे दोस्त, इनका कौन सा स्थान है, ठीक है भाई जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, ठीक है कौन फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसका जवाब करेगा। चार तो महिला सर यहां पर, बिल्कुल बढ़िया बात है, यानी कि चार महिला यहां पर मेरे दोस्त, और यहां पर कौन सा 36वां स्थान किसका, 36वें स्थान पर कौन है मेरे दोस्त, अपनी जो वित्त मंत्री है, ठीक है बहुत शक्तिशाली महिलाओं की, इनका नाम क्या है, इनका नाम मेरे दोस्त है क्या, इनका इनका नाम है मेरे दोस्त निर्मला
क्या सीतारमण, बिल्कुल सुंदर सटीक जवाब है। ठीक है, जहां पे मेरे दोस्त FAO का मुख्यालय उसी, ठीक है, FAO का मुख्यालय है उसी देश के साथ समझौता किया गया। एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो। बिल्कुल गलत जवाब है 35-37 वाले, बिल्कुल इसका जवाब 36, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब है मोहम्मद अहमद बीरू भाई, बहुत बढ़िया बात है। क्या आयुष मार्टिन, क्या बात है, बिल्कुल गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसका जवाब क्या रहेगा, FAO का मुख्यालय सर का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पे, बता देंगे सर, इटली के रोम में है सर, यहीं पे इसी देश के साथ जापान ने समझौता किया। ठीक है, जापान और इसी देश के साथ फाइटर जेट विकसित करने के लिए समझौता किया। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बैठ जाएगा। एक बार मुझे बता दो, अब जापान की बात की जाए तो मेरे दोस्त जापान की कैपिटल मेरे भाई क्या है, जापान की कैपिटल जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो। बिल्कुल बढ़िया और सुंदर जवाब मेरे दोस्त, क्या बैठ जाएगा, जापान, इसका बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई बैठ जाएगा। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो जापान की कैपिटल मेरे दोस्त और मुद्रा क्या, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो। कल का क्वेश्चन एक बार जल्दी से ले लो भाई, ठीक है, कल का क्वेश्चन एक बार जल्दी से आप लोग लेगो तो मजा आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इतनी चीजें अगर आपने बता दी तो मजा आता। ठीक है, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, इटली रोम। ठीक है, जापान की कैपिटल क्या है सर, बता देंगे सर, टोक्यो सर यहाँ की कैपिटल है, टोक्यो सर यहाँ की कैपिटल है, यहाँ की टोक्यो यहाँ की कैपिटल है मेरे दोस्त। यहाँ की मुद्रा का नाम येन सर, यहाँ की मुद्रा है एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। सीधा क्वेश्चन पूछा और बता दो, यहाँ के PM का नाम क्या, इनका नाम है फूमियो किसदा, क्या नाम है दोस्त, फूमियो किसदा इनका नाम है। ठीक है, फूमियो किसदा सर इनका नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बैठ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठ जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन के PM का नाम क्या, इनका नाम है सर क्या, इनका नाम है ऋषि सुनक। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लो। ठीक है, ऋषि सुनक इनका नाम है, बिल्कुल बढ़िया और सुंदर जवाब मेरे भाई बैठ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जी, बहुत सुंदर मेरे भाई क्वेश्चन बैठ जाएगा, इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त क्वेश्चन बैठने वाला है। ठीक है, आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो। ठीक है, इसका जवाब क्या रहेगा, इसका जवाब ऑप्शन है, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई बैठने वाला है। ठीक है, एक बार मेरे भाई जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दो। हाल ही केंद्र सरकार ने NDDB के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन मेरे भाई इंपॉर्टेंट बनेगा, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है भाई, यानी कि सर नेशनल डेयरी, यानी कि नेशनल डेयरी, इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा सर, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसका फुल फॉर्म बनेगा सर, डेवलपमेंट बोर्ड इसका फुल फॉर्म बनेगा मेरे भाई। इसकी स्थापना सर कब हुई थी, 1965 में सर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, आनंद, ठीक है, आनंद गुजरात में इसका मुख्यालय मेरे भाई। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ इसका मुख्यालय भाई, और इसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन, उनका नाम क्या है, मीनेस सी सा सर इसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ बन चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बैठ जाएगा। एक क्वेश्चन जल्दी से बताओ, जब NDDB की बात की जाए तो बता दो किस देश के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए मेरे दोस्त NDDB और अमूल सहायता करेगा मेरे दोस्त। NDDB और अमूल सहायता करेगा उसकी देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन को। ठीक है भाई, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए मेरे भाई जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, कौन सा किस देश की, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो। सर एन चंद्रशेखरन कौन है, ये सर टाटा के चेयरमैन है। ठीक है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है, इनका नाम है एन चंद्रशेखरन। ठीक है भाई, बिल्कुल सुंदर जवाब है। ये सुष्मिता शुक्ला कौन है, ये सर फेडरल बैंक है। ठीक है, फेडरल बैंक की उपाध्यक्ष कौन बनी है, अभी प्रेजेंट है फेडरल बैंक की मेरे दोस्त उपाध्यक्ष बनी है कौन, इनका नाम मेरे दोस्त है सुष्मिता शुक्ला। बिल्कुल सुंदर सटीक जवाब क्या है, पूछा जाएगा, बताओ फेडरल बैंक की मेरे दोस्त उपाध्यक्ष कौन बनी, इनका नाम क्या है, सुष्मिता शुक्ला। बिल्कुल बढ़िया और सुंदर जवाब है, बिल्कुल सभी के बिल्कुल सुंदर जवाब आ गए। क्या सर, श्रीलंका सर, उस देश का नाम लगा दो सर, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की सहायता करेगा किसमें सर, उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट मेरे भाई क्वेश्चन बैठे, और उसके चीफ कौन बने, इनका नाम है मीनेस सी साहब। बिल्कुल बढ़िया और सुंदर जवाब बैठ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ दुग्ध उत्पादन, ठीक है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बैठ जाएगा, ये बता दो। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, इसका जवाब जिसने क्या दे दिया, इसका नाम मीनेस सी साहब। बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई बैठ जाएगा इसके चेयरमैन। और पूछा जाएगा स्थापना की, बता देंगे 1965 में हुई थी, और पूछा जाएगा सर इसका मुख्यालय कहां पे, बता देंगे गुजरात के अंदर से इसका मुख्यालय। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट, ठीक है, बताओ हाल ही में सिडनी मैकलॉगिन लेब्रॉन और किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 का अवार्ड जीता, इसका जवाब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप लिख लो, अभी हाल ही में मेरे भाई ये बता दो, केंद्र सरकार ने कला मंडल का कुलपति किसे नियुक्त किया था, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो। केरल सरकार में कला मंडल, ठीक है, कला मंडल का कुलपति किसे नियुक्त किया था, जल्दी से मुझे बता दो। ठीक है, बिल्कुल ही, कुलपति किसे नियुक्त किया था, जल्दी से मुझे कमेंट। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन देखे, किस किस को याद है, पांच क्वेश्चन मैं लगातार पूछ रहा हूं। ये बता दो विश्व मानवाधिकार कब मनाया गया,
रोजगार दिवस कब मनाया गया और इसकी थीम मैंने कल बताई, देखें किस किस को याद है, थीम भी लिखो जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन मेरे भाई है, तीसरा क्वेश्चन का मेरे दोस्त, तीसरा क्वेश्चन ये हाल ही में जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में, ये बता दो वित्तीय सुरक्षा पर, वित्तीय सुरक्षा पर किस बैंक को वित्तीय सुरक्षा पर मेरे दोस्त ईएजी अवार्ड पुरस्कार मिला है, ठीक है, ईएजी अवार्ड मिला, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो। चौथा क्वेश्चन मेरे भाई बैठने वाला है, चौथा क्वेश्चन बैठने वाला है अभी हाल ही में मेरे दोस्त, अभी हाल ही में मेरे भाई, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है, ठीक है भाई, बर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है, ठीक है भाई, बिल्कुल जी। पांचवा क्वेश्चन बता दो, नवंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे आईसीसी द्वारा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, नवंबर माह का मेरे भाई आईसीसी, नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, ये पांच क्वेश्चन जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो भाई, बहुत बढ़िया बात है। इसका जवाब क्या है भाई, मलका सारा भाई, बहुत सुंदर जवाब मेरे भाई, सभी बिल्कुल सुंदर जवाब है, ठीक है, इसका जवाब क्या, ये सर कौन है, इन्होंने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसने, इनका नाम है मोंडो डोप्लांटिस, और कौन है, मैक लॉगन लेब्रोन, ठीक है, इन दोनों लोगों ने ये अवार्ड जीता, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता, दोनों लोगों ने जीता, इनका नाम क्या है, इनका नाम दोस्तों मेंडो डोप्लांटिस, ठीक है, मेंडो डोप्लांटिस और मैक लॉगलिन, ठीक है, लेब्रोन, ये अमेरिका के मैक लॉगलिन लेब्रोन, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बैठ जाएगा, बिल्कुल सूर कुमार यादव, बिल्कुल गलत जवाब है मेरे भाई, दुग्ध एवं 26 नवंबर को मेरे दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बात है, अच्छा तुम एकदम सुंदर जवाब, क्या बात, वीर भाई कह रहा है भाई 26 नवंबर सर यानी दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड डेयरी डे मनाया जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात, ठीक है, मिल्क डे, ठीक है भाई, बिल्कुल बढ़िया, दुग्ध दिवस, ठीक है, क्या बात, दुग्ध दिवस था, है भाई, ठीक है भाई, बिल्कुल इसका जवाब जल्दी से मुझे कमेंट, इसका जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन है, बिल्कुल सुंदर सटी जवाब, ये कौन था, इनका नाम था मलिका सारा भाई, इनका नाम मेरे दोस्त क्या है, मलिका सारा भाई इनका नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त बैठ जाएगा, ठीक है, मलिका सारा भाई, ये कौन है, ये था 10 दिसंबर था, बिल्कुल सुंदर सटी जवाब, कौन, थीम क्या थी, डिग्निटी मेरे दोस्त, डिग्निटी और कौन सी थी, जल्दी से बता दो, फॉर ऑल, ठीक है, जल्दी से इसकी थीम क्या थी मेरे दोस्त, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, ये वित्तीय, ये किसने, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये जीता था मेरे दोस्त, और ये किसका था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इसका नाम क्या है, गोबलिन मोड, ठीक है, गोबलिन मोड सर इसका नाम था, बिल्कुल गोबलिन मोड इस शब्द ही, बिल्कुल सुंदर सटीक जवाब है, और नवंबर, ये कौन है, इनका नाम है जोस बटलर, क्या नाम इनका, जोस बटलर इनका नाम है मेरे दोस्त, बिल्कुल सुंदर सटीक जवाब है, जोस बटलर इनका नाम है, इंग्लैंड के प्लेयर, इनका नाम क्या है, जोस बटलर जी ने ये पुरस्कार जीता, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेरे भाई क्वेश्चन बैठ जाएगा, ठीक है, इतनी चीजें आप याद रख ली तो मजा आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जी, ठीक है, इसकी थीम जल्दी से बता दो, ठीक है, इसकी थीम बता दो जल्दी से, इसकी थीम था क्या है, डिग्निटी जस्टिस फ्रीडम फॉर ऑल, डिग्निटी डिग्निटी जस्टिस फ्रीडम फॉर ऑल, ठीक है, जस्टिस फ्रीडम फॉर ऑल, ठीक है, फ्रीडम फॉर ऑल इसकी थीम है, ठीक है, फ्रीडम फॉर ऑल इसकी थीम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठ जाएगा, ठीक है, कल ऐसा करूंगा मैं यहाँ पे और स्पेस रखूँ, ठीक है, स्पेस और रखूँ जिससे कि आप लोग, बहुत बढ़िया, गोबलिन मोड बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब है, ठीक है, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, जब सर इतनी चीजें आपने बात करी ली तो जल्दी से बता दो, अभी हाल ही में देखो गोबलिन मोड तो किसका हो गया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर चुना था किसको, गोबलिन मोड को, ठीक है भाई, बिल्कुल जी, एक बार मुझे जल्दी से बता दो, कैम्ब्रिज, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने लिखा भी, कैम्ब्रिज, ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना था, और कौन सा, और मैं तो कॉलिन, ठीक है, कॉलिन डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर, दोनों शब्द बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो इसका, बिल्कुल सर, कैम्ब्रिज ने कौन सा चुना था, उसका नाम क्या था, इसका नाम सर होमर था, इसका नाम क्या था, होमर था, और इसका नाम क्या था, परमा क्रायसिस, ठीक है, परमा क्रायसिस सर इसका नाम था, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई बैठने वाला, तीन चार शब्द इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2021 का क्या, 2021 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कौन सा शब्द चुना था, उसका नाम क्या था, उसका नाम मेरे था वैक्स था, बिल्कुल बढ़िया और सुंदर जवाब, क्या था, वैक्स था, 2021 में चुना था, लेकिन 2022 में कौन सा है, 2022 में मेरे दोस्त गोबलिन मोड, इसका सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई बैठने वाला है, ठीक है, इसका जवाब क्या रहेगा, इसका जवाब मोंडो डोप्लांटिस, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब, इन दोनों लोगों को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है, अभी हाल ही में बताओ एमसीओ नहीं है, एमसीडी यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है, यानी कि दिल्ली की जो, ठीक है भाई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव होता है, इसमें पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन सी बनी है, जल्दी से बता दो, उनका नाम क्या है, बॉबी किन्नर है मेरे दोस्त, या अप्सरा रेड्डी है, इनमें से कोई नहीं है, फिर शीला रेड्डी, जल्दी से बता दो, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल ट्रांसजेंडर ऑफ दिल्ली एमसीडी, ठीक है, बताओ,
इसका जवाब जल्दी से बता दो। यानी दिल्ली, दिल्ली में जो एमसीडी यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो आप दिल्ली यानी चुनाव हुए हैं, यानी कि उनमें जो बता दो कौन सा जीत, कौन सी में दोस्त पहली महिला ट्रांसजेंडर और जीता कौन सा, कौन सी पार्टी जीत बता देंगे। आम आदमी पार्टी सर इसमें बहुमत के साथ इसमें जीत चुकी है, ठीक है। एमसीडी चुनाव भी किसने जीते, आम आदमी पार्टी। ये पूछा जाएगा दिल्ली के सीएम का नाम क्या सर बता दें, दिल्ली के सीएम का नाम अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अरविंद केजरीवाल सर यहाँ के सीएम है, केजरीवाल, ठीक है, अरविंद केजरीवाल, ठीक है, नाम बढ़िया तरीके से लगे केजरीवाल जी का, ठीक है। केजरीवाल यहाँ के सीएम है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या, उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। क्या नाम है भाई, विनय कुमार सक्सेना सर इनका नाम है, विनय कुमार सक्सेना सर इनका नाम है। बिल्कुल सुंदर सटी जवाब है, पूछा जाएगा मेरे भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो मेरे भाई। बिल्कुल इसका जवाब कह रहे हैं इनका नाम है बॉबी किन्नर, ठीक है, बॉबी किन्नर इनका नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त बैठ जाएगा, ये पूछा जाएगा बताओ पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी, तो इनका नाम क्या, बॉबी किन्नर। इसका बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे दोस्त बैठने वाला है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब जिसने दिया था बिल्कुल सुंदर दिया था। ये पूछा जाएगा बताओ यानी कि दिल्ली मेरे दोस्त के गवर्नर का नाम क्या है, इनका नाम है विनय कुमार सर। ये पूछा जाएगा दिल्ली में जल्दी से बता दो, दिल्ली में मेरे दोस्त अभी हाल ही में कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो दिल्ली में कौन सा किसका मुख्यालय स्थित है, जल्दी से बता बता दो। बहुत सारे सर मुख्यालय स्थित हैं, बहुत बढ़िया बात है, सभी को पता होंगे, क्या बात है, विनय कुमार सक्सेना इसका बिल्कुल सुंदर सटीक जवाब मेरे भाई बैठने वाला। बताओ भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थित है, ठीक है भाई, बताओ भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थित है, एक बार कोई बता सकता है भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता सकता है क्या कोई। बहुत बढ़िया इसका जवाब कह रहा है बॉबी किन्नर, इसका बिल्कुल सुंदर सटीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में 15वें और 17वें, ठीक है भाई, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। दो राज्य के मुख्यमंत्री बने, उनका नाम जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कौन बने हैं, इनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी या फिर भूपेंद्र पटेल जी हैं, ये क्या है मानिक शाह हैं, लिख दो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहां पे मुकेश अग्निहोत्री, बताओ हिमाचल प्रदेश मेरे दोस्त बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की बात जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए मेरे दोस्त तो यहां के मुख्यमंत्री कौन बने मेरे दोस्त जल्दी से बता दो। इसका जवाब क्या रहेगा सर, हिमाचल प्रदेश एक देश है, बिल्कुल देश नहीं है, एक प्रदेश है मेरे दोस्त, किसका, भारत का एक प्रदेश है जिसकी स्थापना बता दें सर, पहले यहां पे लिख लें हिमाचल प्रदेश, बहुत खूबसूरत सा हिमाचल प्रदेश मेरे दोस्त लिखे हैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश सर यहां पे लिख लिया हमने, हिमाचल प्रदेश ये प्रदेश है मेरे दोस्त भारत का, ठीक है भाई, बहुत सुंदर प्रदेश है। इसकी पूछी जाए मेरे दोस्त इसके स्थापना का भी बता देंगे, 26 जनवरी 1971 को सर इसकी स्थापना हुई थी, 1971 को सर इसकी स्थापना हुई थी। इसकी कैपिटल क्या है मेरे दोस्त, इसकी कैपिटल शिमला है, कैपिटल है कौन सी, शिमला और धर्मशाला, दो कैपिटल में दो, धर्मशाला भी है और शिमला भी है, ठीक है। शीतकालीन कैपिटल क्या है, शीतकालीन कैपिटल धर्मशाला है मेरे भाई, और ग्रीष्मकालीन कैपिटल क्या है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल में दोस्त है शिमला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठ जाएगा, ठीक है। पूछा जाएगा सर यहाँ के गवर्नर तो बता दो सर, मजा आ जाएगा मुझे, गवर्नर का नाम राजेंद्र अर्लेकर, ठीक है, राजेंद्र अर्लेकर सर यहाँ के गवर्नर का नाम है अर्लेकर, ठीक है। इन्होंने शपथ ले ली किसने, इनका नाम क्या, सीएम का नाम, इनका नाम है दोस्त सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम मेरे भाई, यहाँ के अगर सीएम का नाम पूछा जाए इनका नाम क्या है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू सर यहाँ के कौन है, सीएम है, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ऐसा कौन है, यहाँ के सीएम है। बिल्कुल बढ़िया और सुंदर जवाब मेरे भाई दे दिया, क्या बात है, इसका जवाब आपने बिल्कुल सुंदर जवाब दे दिया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब पूछा जाएगा सर यहाँ के उप मुख्यमंत्री और बने, ठीक है, पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने, इनका नाम क्या है, पहले यानी कि डिप्टी सीएम, ठीक है, डिप्टी सीएम कौन बने, डिप्टी सीएम इनका नाम क्या है, इनका नाम है मेरे दोस्त मुकेश अग्निहोत्री। बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई बैठने वाला है, इतनी चीज अगर आपने याद रख ली मजा आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जी टोटल यहाँ पे ये बता दो सुखविंदर सिंह सुक्खू किस पार्टी के, ये बात जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही। हाँ बिल्कुल ड्राइवर साहब, बहुत इन्होंने यानी बिल्कुल सुंदर सटीक जवाब है बीरू भाई ने, बिल्कुल अच्छी बात है। देखो ये इनके फादर जी थे वो एक ड्राइवर थे, देखो तो ना, और ड्राइवर से इनका लड़का कहाँ बन गया, एक देखो मुख्यमंत्री एक देश का एक प्रदेश का मेरे दोस्त हाई कमान संभालना, बताओ कितनी इन्होंने मेहनत की होगी, ठीक है भाई। बिल्कुल जी पिताजी क्या सचिवालय में एक इनके पिताजी ड्राइवर थे, लेकिन आज ये कहाँ पे इनके लड़के ने कितना नाम ऊंचा कर दिया, ऐसे ही आप लोग भी नाम ऊंचा करो अपना, ठीक है भाई, पिताजी का, ठीक है, बिल्कुल अपना भी करो पिताजी का। एक बार मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स किस पार्टी से संबंध रखते बता दें कि कांग्रेस, ठीक है, किस पार्टी से संबंध रखते बता दें कांग्रेस। टोटल यहां की विधानसभा सीटें कितनी है मेरे दोस्त, सीधा क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, बताओ यहां पे टोटल विधानसभा सीटें कितनी है, ठीक है भाई। बिल्कुल जी यहां पे तो बता दें टोटल 68 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है भाई, 68 में सर टोटल कितनी लेके आए, 40 सीटें कौन लेके आई, कांग्रेस 40 सीटें लेके आई, 40 सीटों के साथ इसने बहुमत के साथ सरकार बना ली मेरे भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त बैठने वाला है, ठीक है, 40
कांग्रेस सीटें कौन लेके आई, कांग्रेस लेके आई, ठीक है। पूछा जाएगा मेरे भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो अभी, हाँ ठीक है बिल्कुल। यहाँ की लोकसभा की सीटें कितनी है, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लोकसभा कितनी है, तो सर 3 यहाँ की लोकसभा है, सॉरी 4 यहाँ की लोकसभा की सीटें है मेरे भाई, लोकसभा की सीटें कितनी, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ यहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी, बता दें सर यहाँ पे 4 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे याद ना हो तो यहाँ पे लिख लो 4, 3 यहाँ लिख लो, 4 यहाँ लिख लो, ठीक है। 4 कौन सी है, 4 सर लोकसभा की है, 3 का दोगुना कर लो, 6 यानी कि ये क्या हो गई, ये राज्यसभा की सीटें होंगी। बहुत सुंदर क्वेश्चन मेरे भाई बैठेगा और आप लोगों ने इसका बिल्कुल सटीक और सुंदर जवाब दिया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछा जाएगा बताओ इस यानी कि वहाँ के मेरे दोस्त जो अग्निहोत्री जी बने हैं वो कौन है सर, डिप्टी सीएम कौन है, उनका नाम है, ये बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे बैठा जाएगा, ठीक है बिल्कुल जी, ठीक है। और ये पूछा जाएगा पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है, पहले मुख्यमंत्री का नाम तो इनका नाम क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो यहाँ के पहले मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है। बहुत बढ़िया बात है, श्रीलंका भाई कहाँ से बहुत सही एंट्री लिए हो, क्या बात है, कौन एंट्री ले लिया भाई क्लास में हैं, कोई सलमान खान आ गया क्या है भाई, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, बहुत बढ़िया, कौन सलमान खान आ गया है, ठीक है। पूछा जाएगा पहला मुख्यमंत्री कौन है, पहला मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश का, जल्दी से पूछा जाए पहला मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम है यशवंत सिंह परमार, ठीक है यशवंत सिंह परमार, ठीक है यशवंत सिंह परमार सर कौन है, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, ठीक है पहले मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और ये श्री चक्रवर्ती जी कौन है, गवर्नर, पहले गवर्नर का नाम क्या है, श्री चक्रवर्ती जी, ठीक है भाई बिल्कुल जी, इनका नाम चक्रवर्ती जी है, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई बैठने वाला है, ठीक है। श्री एस चक्रवर्ती जी इनका नाम है, ये पहले गवर्नर किसके थे, हिमाचल प्रदेश के थे, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बताओ जो आपका यानी कि तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या, तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री का नाम, ये आपके एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जवाब क्या रहा है, इनका नाम है श्री यानी कि इनका श्री एस चक्रवर्ती, ठीक है एस चक्रवर्ती, ठीक है एस चक्रवर्ती, ये पहले मुख्यमंत्री है, ये पहले राज्यपाल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेरे भाई क्वेश्चन बैठेगा, इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त बैठेगा, तो आप लोग याद रख लो, क्या बात है, इतना मत हंसो बेटे हैं, ऐसे मत हटो मेरे भाई, ऐसे हंसोगे तो कैसे काम चलेगा। एक बार मुझे जल्दी से बता दो अभी हाल ही में गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री कौन बने, इनका नाम क्या, 17वें मुख्यमंत्री का नाम क्या है, इनका नाम क्या है, भूपेंद्र भाई पटेल, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब है, ठीक है। 2 राज्यों में चुनाव हुए थे, एक में कांग्रेस ने सरकार बनाई, एक में बीजेपी ने सरकार बनाई, ठीक है भाई। यशवंत सिंह परमार पहले मुख्यमंत्री थे और यानी कि श्री एस चक्रवर्ती मेरे दोस्त यहां के पहले गवर्नर थे, और अब प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर का नाम क्या, इनका नाम है राजेंद्र अर्लेकर है मेरे भाई, और उनका और यह बता दो जल्दी से, और मुख्यमंत्री का नाम क्या, सुखविंदर सिंह सिक्कू, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब है, ठीक है बिल्कुल। तेलंगाना की कैपिटल तो तुमने लिख दी, क्या सर इसकी कैपिटल, तो सर मुझे पता है हैदराबाद सर इसकी कैपिटल है, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिख पाया आप लोगों ने, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, ठीक है भाई बिल्कुल बढ़िया और सुंदर जवाब मेरे दोस्त बैठने वाला है, ठीक है। तो बता दो 17वें मुख्यमंत्री कौन बने, जिनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल, कहां के बने सर, गुजरात के। 2 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ मेरे दोस्त, एक राज्य में कांग्रेस ने सरकार बनाई, हिमाचल प्रदेश में एक राज्य में बीजेपी ने सरकार बनाई, ठीक है भाई बिल्कुल जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, ये बता दो यहां के सीएम कौन बने, इनका नाम है भूपेंद्र पटेल, यहां के गवर्नर का नाम क्या, इनका नाम है आचार्य देवव्रत, ठीक है इनका नाम क्या मेरे दोस्त, आचार्य देवव्रत इनका नाम है, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई बैठने वाला है, इनका सीएम का नाम है भूपेंद्र पटेल, ठीक है भूपेंद्र पटेल इनका नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बैठ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा, बताओ जल्दी से इसका जवाब किसी ने दिया, जगमोहन रेड्डी, बिल्कुल गलत जवाब है मेरे भाई, इनका नाम क्या है, के चंद्रशेखर राव, ठीक है प्रेजेंट टाइम पे भी यही है, के चंद्रशेखर राव, ठीक है के चंद्रशेखर राव, आप लोग बिल्कुल गलत जवाब दे रहे भाई, आप लोगों ने यानी कि रिवीजन नहीं हो रहा, ठीक है के चंद्रशेखर राव सर इनका नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बैठ जाएगा। और पूछा जाएगा यहां के गवर्नर का नाम क्या है, इनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है भाई देखो आप लोग याद नहीं कर रहे, ठीक है इनका नाम क्या है, तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है सौंदरराजन सर यहां के कौन है, प्रेजेंट टाइम की गवर्नर किसकी, तेलंगाना के मेरे भाई, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और इसकी स्थापना कब हुई तो बता दें सर, 2 जून 2014 को सर तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी, और पहले मुख्यमंत्री का नाम भी क्या था, के चंद्रशेखर राव था, और वर्तमान में भी वही मुख्यमंत्री है, उनका नाम क्या है, के चंद्रशेखर राव, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन मेरे भाई बैठ जाएगा, बिल्कुल आप लोगों ने सुंदर और सटीक जवाब दे दिया, ठीक है बिल्कुल जी, क्या बात है। इसका जवाब क्या रहेगा, इसका जवाब तेलंगाना, बिल्कुल यहाँ पे मैंने तेलंगाना पूछा था, तमिलनाडु नहीं पूछा था मेरे भाई, ठीक है। इसका जवाब क्या रहेगा, इसका जवाब मेरे दोस्त रहेगा क्या, इसका जवाब रहेगा मेरे दोस्त सुखविंदर सिंह सिक्कू, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब है, ठीक है। ये सर सीएम है, ये डिप्टी सीएम, ये कौन है सर, डॉक्टर मानिक शाह, ये सर बता दो, ये सर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है, याद रखो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है, ठीक है। त्रिपुरा के सीएम कौन है, इनका नाम है डॉक्टर मानिक शाह। उत्तर प्रदेश में मेरे दोस्त चुनाव हुआ था, बिल्कुल सही बात है, देखो 4 राज्यों में चुनाव हुए थे कि नहीं हुए थे इससे पहले, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या, उनका नाम क्या था, उनका नाम था मेरे दोस्त
दोस्त योगी आदित्यनाथ, ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री बने थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था मेरे दोस्त प्रमोद सावंत, ठीक है भाई। मणिपुर के बने, उनका नाम था बीरेन सिंह, एंड बीरेन सिंह कहां के थे, मणिपुर के थे। और बता दो, और पंजाब के सीएम कौन बने थे, उनका नाम था पुष्कर सिंह धामी। देखो चार राज्यों में चुनाव हुआ था, पांचवा राज्य कौन सा हो गया, मैं देखो चार पांच राज्यों में चुनाव हुआ था इससे पहले, ठीक है भाई। उसके बाद हिमाचल प्रदेश भी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है मेरे भाई, ठीक है, पूछा जाएगा। बताओ कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ, अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उनका नाम क्या है, सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा, आप तुरंत बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे और बता दोगे मेरे दोस्त, ठीक है। डॉक्टर मानिक शाह कहां के, सर बता देंगे, सर कहां के, सर बता देंगे, बिल्कुल बढ़िया, त्रिपुरा के, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, सुंदर जवाब मेरे भाई दे दिया, ठीक है, क्या बात है। बता दो ये क्या, टीना बोलू आटो ने हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनाव चुना गया, ठीक है, बताओ इसका, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, ठीक है भाई। इसका जवाब क्या रहेगा, दीना बोल, ठीक है, बोलू आटे को किस देश की महिला के रूप में चुना गया, ठीक है भाई, बिल्कुल इसका जवाब रहेगा पेरू की, सर ये बता दो, होंडुरस की, अमेरिका की, या फिर ब्रिटेन की, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो इसका जवाब क्या रहेगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो। और मुझे एक क्वेश्चन जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, ये सबसे पहली बात, पेरू सर, पेरू सर ये किस कॉन्टिनेंट का देश, बता देंगे सर ये किसका, अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है मेरे दोस्त, अमेरिकी कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है मेरे दोस्त। और इसकी कैपिटल क्या है सर, इसकी कैपिटल मेरे दोस्त पूछी जाए, कैपिटल सर क्या है, तो कैपिटल सर बता दें सर, इसकी कैपिटल सर लीमा सर इसकी कैपिटल है, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब बैठ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अगर इसकी मुद्रा पूछी, करेंसी पूछी जाए मेरे दोस्त, करेंसी का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, पेरुयन सोरो, ठीक है, पेरुयन सोरो इसकी सर, पेरुयन सोरो सर सेरो इसकी मुद्रा है मेरे भाई। पूछा जाएगा यहां के पीएम कौन बने थे, पीएम कौन, इनका नाम था, इनका मतलब साबेज बेट जी, ठीक है, साबेज बेट जी सर यहाँ की कौन बनी थी, पीएम बनी थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे पहले मैंने आपको पढ़ा था, पांच से छह आपको पढ़ा था, लगभग दस दिन पहले पढ़ा था, ठीक है, साबेज बेट जी सर यहाँ के पीएम बने थे। अब यहाँ की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी, तो इनका नाम क्या था, इनका नाम मेरे दोस्त बनी है, इनका नाम क्या है, इनका नाम मेरे दोस्त है दीना बोलू आटो, ठीक है, बोलू आटे, ठीक है, ये पहली महिला यानी प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, इनका नाम क्या है, दीना बोलू आटो, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन है बिल्कुल सुंदर, यानी कि पेरू की बनी है, ठीक है, पेरू, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई बैठने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे छाप के बता दो, अभी हाल ही में मेरे दोस्त, हाल ही में मेरे दोस्त क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ये बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के मुझे बता दो, बाई के अलग जी का निधन हो गया, ठीक है, बाई के अलग जी का निधन हुआ था, बाई के अलग जी का निधन हुआ था, वे कौन थे, ठीक है, बाई के अलग जी का निधन हो गया। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं पूछता, ये यानी कि प्रीवियस ईयर नहीं है, ये मतलब पिछले दिनों के क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसलिए पूछता रहता हूं क्योंकि आपका रिवीजन देखे है कि नहीं है मेरे भाई, ठीक है, बाई के अलग जी का निधन हो गया, वे कौन थे, ठीक है भाई, बिल्कुल जी जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो। देखो पिछला, देखो अब मैं प्रयास में यही करूंगा, देखो क्वेश्चन डलवा दिया करूं, ठीक है भाई, क्वेश्चन से ज्यादा रहेगा, ऐसे लिख के मजा नहीं आता होगा आपको, क्वेश्चन डलवा दिया करूं, ठीक है, ये कौन थे जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के, बाई के अलग जी का निधन हो गया, ये कौन थे, बिल्कुल बढ़िया बात, इनका ये कौन थे, तो बता देंगे सर ये कौन थे, ये अर्थशास्त्री थे, कौन थे मेरे दोस्त, अर्थशास्त्री थे, बिल्कुल बढ़िया, इनका निधन हो गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त बैठ जाएगा, ठीक है, अर्थशास्त्री थे, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब, आप लोगों ने जवाब दिया नहीं लेकिन, ठीक है, इसका जवाब क्या था, अर्थशास्त्री थे। एक और मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, अभी हाल ही में मेरे दोस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया, अर्थशास्त्री थे, बिल्कुल सुंदर सटीक जवाब है, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बता दो अभी हाल ही में इसके भी पीएम बने थे, किसके, ब्रिटेन के पीएम, कौन बने, इनका नाम क्या था, ऋषि सुनक, भारतीय मूल के कौन बने थे पीएम, इनका नाम था ऋषि सुनक, इसका बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे दोस्त बैठने वाला है, क्या बात है, इसका जवाब आप लोगों ने दिया बिल्कुल सही और सटीक दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संस्था ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क को विस्तार करने के लिए क्या 780 मिलियन है मेरे भाई, मिलियन रेड को मंजूरी दी, बताओ किस संस्था ने मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ, इसका जवाब रहेगा आपका एडीबी ने, डब्ल्यूएचओ ने, आईएमएफ ने, या फिर डब्ल्यूबी ने, जल्दी बताओ इसका जवाब क्या रहेगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो इसका जवाब क्या रहेगा, जल्दी से बताओ, ये एक बार बता नहीं, चेन्नई मेट्रो, ठीक है, अभी इसने हाल ही में क्या बनाया था सर, बता दें, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड सर किसने बनाया था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था मेरे दोस्त आपका चेन्नई, कौन था, नहीं, नागपुर मेट्रो ने बनाया था भाई, ठीक है, नागपुर मेट्रो ने था, ये गलत जवाब है भाई, नागपुर मेट्रो ने, ये कौन सा, ये सर चेन्नई मेट्रो है, ठीक है, गलत जवाब, देख ला, नागपुर मेट्रो ने तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, बिल्कुल, अमेरिका के कौन थे, इनका नाम प्रेसिडेंट का नाम क्या था, जो बाइडन था, बिल्कुल बढ़िया, ऋषि सुनक कहां के थे, इनका नाम मेरे दोस्त थे कहां के, उनका नाम मेरे दोस्त ऋषि सुनक थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है भाई, बिल्कुल सुंदर सटीक जवाब है, नागपुर मेट्रो ने मेरे दोस्त गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है, नागपुर मेट्रो ने मेरे दोस्त गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, पूछा गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली मेट्रो कौन सी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में डबल डेगा, ठीक है भाई, गिनीज वर्ल्ड
रिकॉर्ड, ठीक है, इसने बनाया था रिकॉर्ड किसने, इनका नाम क्या था, नागपुर मेट्रो, ठीक है, इसका जवाब क्या था, नागपुर मेट्रो सर इसका नाम था, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई, बैठने भाई ये बता दो, चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किसने, मैं तो बता दें सर इसका नाम क्या है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियाई एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट डेवलपमेंट बैंक ने मेरे दोस्त, डेवलपमेंट बैंक मेरे दोस्त इसका फुल फॉर्म रहेगा, इसने हाल ही में चेन्नई मेट्रो को मेरे दोस्त इसका और विस्तार करने के लिए दो कितना 780 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। पूछा इसकी स्थापना सर कहाँ पे हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, बता दें 1966 में सर इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है, बता दें हेडक्वार्टर इसका नाम फिलीपींस के मनीला में, ठीक है, फिलीपींस के मनीला में सर इसका मुख्यालय, ठीक है मनीला के फिलीपींस में, ठीक है, मनीला के फिलीपींस में सर इसका मुख्यालय, इंपॉर्टेंट मेरे भाई क्वेश्चन बैठ जाएगा, ठीक है, नागपुर मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, इंपॉर्टेंट मेरे भाई क्वेश्चन बैठ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सुंदर, ठीक है, ये याद रखो, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है बिल्कुल, ठीक है, इतनी चीजें अगर आपने याद की मजा आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल, ये मसा तस्कुगु अस्काबा सर इसके कौन है, इसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ है, ठीक है, मसा तस्कु अस्काबा सर प्रेजेंट टाइम पे चीफ है, ठीक है भाई, एक क्वेश्चन जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ, WHO की स्थापना कभी तो बता दें सर, 1948 में स्थापना हुई थी, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब है, IMF की स्थापना कभी तो बता दें सर, IMF की स्थापना कभी थी, इसका जवाब मेरे दोस्त रहेगा 1945 को स्थापना हुई थी, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आपको जितना याद है वो लिख दो, ठीक है, इतने इन चारों ऑप्शन के बारे में जितना याद है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, WHO की स्थापना सर बता देंगे सर कब हुई थी, 1948 में, IMF की कब हुई थी, बता इनका नाम ये बता दो, WHO के प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास, ठीक है, इसका जवाब तो ADB रहेगा, ये पूछा जाएगा बताओ WHO के प्रेजेंट टाइम पे चीफ का नाम मेरे दोस्त जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, इनका नाम क्या है, इनका नाम मेरे दोस्त बैठने वाले, इनका नाम क्या है, इनका नाम मेरे दोस्त टेड्रोस अधानोम, ठीक है, टेड्रोस मैंने आपको बताया भी था, टेड्रोस अधानोम, ठीक है, अधानोम सर इसके चीफ हैं, बिल्कुल सुंदर, IMF के कौन, इनका नाम क्या है, इनका नाम है क्रिस्टियानो जॉर्जियाबा, ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जियाबा, ठीक है, जॉर्जियाबा, ठीक है, इसके चीफ है जॉर्जियाबा, ठीक है, जॉर्जियाबा इसके चीफ है मेरे दोस्त, बता देंगे, और IMF के कौन है सर, इसके चीफ कौन है, इनका नाम है डेविड मालपास, क्या नाम है मेरे दोस्त, डेविड मालपास इनका नाम है, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब, डेविड मालपास इनका नाम है, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब है, ये चीज अगर किसी ने नहीं दी तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, किस किस को याद नहीं है ये चीज, जल्दी से बताओ, क्योंकि आपको देखो जो भी स्टैटिक्स आपको स्टैटिक की अलग क्लास है मेरे दोस्त नहीं करनी पड़ती है, अगर ऐसी चीजें जैसे आपको अलग क्लास करनी भी पड़ी, जैसे हम क्वेश्चन लेके आए, ठीक है भाई, जैसे क्वेश्चन लेके आए स्टैटिक के, मैंने जैसे कहा ऐसे आज बता दो, आज सभी जितने भी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है सारे पढ़ेंगे, ठीक है भाई, तो आपको पता होगा कुछ है, इतने आपको मैंने जो ये पता है मेरे दोस्त, लगभग आपको सभी हेडक्वार्टर याद होंगे मेरे भाई, ठीक है, एक बार मैं लिखूं देखा कितने हेडक्वार्टर आप लोग जल्दी से देंगे अपने कमेंट बॉक्स में, वही हेडक्वार्टर की एक एक, ठीक है बिल्कुल लिख के बताना किस किस को देखे कौन कौन सा हेडक्वार्टर याद है, ठीक है, इतने तो याद हो गए मेरे दोस्त, सबसे पहली बात बता दो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, दूसरा बता दो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से बता दो, उसके बाद हुआ ICJ, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे मेरे दोस्त, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में एक लाइन में छाप के बताना पड़ेगा, जल्दी से बताना मेरे भाई, ठीक है, उसके बाद हो गया मेरे दोस्त UNHRC, ठीक है, UNHRC का मुख्यालय कहाँ है, पांच में बता दो SAARC का मुख्यालय कहाँ मेरे दोस्त, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, छठवां में जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, IMF का मुख्यालय कहाँ पे, ठीक है, IMF के बाद हो गया, सातवां हो गया मेरे दोस्त, सातवां हो गया WB वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ, आठवां मेरे दोस्त हो गया, आठवां मेरे दोस्त हो गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, ठीक है मेरे दोस्त जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय का, इतने बता दो, आठ जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, आठ और नौवां क्या हो गया, नौ मेरे दोस्त ADB हो गया, ठीक है, ADB हो गया, और दसवां मेरे भाई क्या हो गया, दसवां मेरे दोस्त हो गया आपका WHO हो गया, IMF हो गया, ठीक है, IMF हो गया, बिल्कुल बढ़िया बात है, इतनी यानी कि दसवां बता, इतने मुख्यालय अगर आपने बता दी तो मजा आ जाएगा, बहुत सुंदर बात है, इतनी चीजें अगर आपने बता दी, FAO, ठीक है, दस लिख लो, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इतने मुख्यालय जल्दी से लिख के बता दो, बहुत बढ़िया बात है, आपको जब आपका एग्जाम होगा मेरे दोस्त एक एक सन एक एक डेट एक एक आपको डेट और एक एक मुख्यालय इस तरीके से रटा होगा कि आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे मेरे भाई, ठीक है, इसलिए आप डेली इनको क्लास बस देखते रहो मेरे भाई, ठीक है, क्लास बस आप देखते रहोगे, इसका जवाब ADB इसका बिल्कुल सुंदर सटीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा अर्धशतक किसने लगाया मेरे दोस्त, इतने बढ़िया क्वेश्चन बताओ किसने, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, 126 गेंदों पर इन्होंने दोहरा शतक लगा दिया, क्या बात है, बिल्कुल
आईएलओ जिनेवा, बिल्कुल बढ़िया। आईएमएफ का वॉशिंगटन डीसी, बिल्कुल बढ़िया। जिनेवा डीसी पेरिस, क्या बात है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही बात है सर। 3 में ही हमने निपटा दिए, बहुत सुंदर मेरे दोस्त। इसका जवाब दिल्ली एफ यू का रोम इटली, बिल्कुल बढ़िया। अभी मैंने आपको आगे बताया था एफ यू का रोम इटली, ठीक है। विश्व खाद्य, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता था, जल्दी से बता दो। विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता था, विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता था, जल्दी मुझे बता दो। विश्व खाद्य पुरस्कार किसने, देखे किस बच्चे को, किस बच्चे को नहीं, किस भाई को, मैं पुराना क्वेश्चन याद है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त। विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता था, जब एफ ए ओ की बात जाए तो मेरे दोस्त विश्व खाद्य पुरस्कार को हम लोग ना भूलें तो बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है भाई। ये बता दो जल्दी से, इनका नाम क्या है, इनका नाम जल्दी से बिल्कुल नहीं भूलोगे सर। 126 गेंदों में इन्होंने अर्धशतक लगा दिया, ठीक है, डबल दोहरा शतक, अर्धशतक नहीं दोहरा शतक, ठीक है। 126 गेंदों में मेरे दोस्त किस देश के खिलाफ, बता देंगे बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। बांग्लादेश की हवा टाइप कर दी भाई इन्होंने, ठीक है। इनका नाम क्या है, इनका नाम मेरे दोस्त ईशान किशन, इनका नाम है मेरे दोस्त ईशान किशन, इनका नाम है। इन्होंने इतिहास रच दिया मेरे दोस्त, ठीक है। सबसे कम गेंदों पे इन्होंने छक्का लगा दिया, ठीक है, वो सॉरी सबसे कम गेंदों पे इन्होंने दोहरा शतक लगाया। इनका नाम क्या है, इनका नाम मेरे दोस्त ईशान किशन, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई अट जाएगा, ठीक है। इससे पहले किस भारतीय ने दोहरा शतक लगाया, तो बता देंगे बनने में, तो बता देंगे इससे पहले सचिन तेंदुलकर जी ने, किसने, सचिन तेंदुलकर जी है मेरे दोस्त, बिल्कुल जी, किसके, क्रिकेट के, क्रिकेटर के, क्या नाम, भगवान जिसको कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तेंदुलकर जी ने, इन्होंने सर 2010 में, ठीक है, 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मेरे दोस्त, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये दोहरा शतक लगाया था, ठीक है भाई। लेकिन सबसे कम गेंदों में एकमात्र बल्लेबाज का नाम क्या है, उनका नाम मेरे दोस्त है क्या, उनका नाम है ईशान किशन जी ने ही लगाया, ठीक है। क्रिस गेल ने 2015 में लगाया था मेरे दोस्त दोहरा शतक, ठीक है, 136 गेंदों में, ठीक है, 136 गेंदों में क्रिस गेल ने लगाया था मेरे दोस्त 2015 में, ठीक है। और रोहित शर्मा भी लगा चुके हैं, ठीक है, रोहित शर्मा भी इसको लगा चुके हैं, ठीक है, दोहरा शतक, ठीक है। लेकिन ये सबसे कम गेंदों पर जो कारनामा रचा, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे कम गेंदों पर किसने दोहरा शतक लगाया, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम मेरे दोस्त रहेगा ईशान किशन, बिल्कुल बढ़िया और सुंदर जवाब बैठने वाला है, ठीक है भाई, बिल्कुल सुंदर सटीक जवाब मेरे दोस्त। कितने, ठीक है, 126 गेंदों पर टोटल रन कितने बनाए सर, इनका नाम क्या है, टोटल रन सर 210 टोटल रन बनाए, ठीक है, 210 रन पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में, देखो 3 प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ अभी हाल ही में जो दोहरा शतक लगाया उसमें, अभी हाल ही में ईशान किशन ने जो दोहरा शतक लगाया मेरे दोस्त सबसे कम गेंद, वो किस देश के खिलाफ लगाया, तो बता दे कि सर बांग्लादेश के। पूछा जाएगा कितने दोहरा शतक बनाए, कितनी गेंदों पे, सब गेंद कितनी है मेरे दोस्त, बता दें 126 गेंदों पे पूछा जाएगा मेरे दोस्त। इतनी चीज अगर आपने याद रख ली तो मजा आ जाएगा, 3-4 क्वेश्चन इसमें हुए बनेगा। और पूछा जाएगा भारत का पहला खिलाड़ी बताओ जिसने दोहरा शतक लगाया, तो बता दें उनका नाम क्या था, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाला पहला भारतीय कौन है, उनका नाम क्या है, उनका मेरे दोस्त, उनका नाम क्या है, उनका नाम मेरे दोस्त है सचिन तेंदुलकर, इन्होंने 2010 में लगाया था, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बैठ जाएगा। इतनी चीजें अगर आपने याद रख ली तो मजा आएगा, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दोस्त बैठ जाएगा, ठीक है। एक आप इतनी चीज आप जल्दी से बता दो, दोहरा शतक की बात की गई, जल्दी से वनडे की बात की, तो सर हम क्रिकेट को भूल जाएं क्या, बिल्कुल नहीं भूलोगे मेरे दोस्त, जल्दी से मुझे दो क्वेश्चन, मैंने कल आपको, आप लोग एक काम बहुत गलत करते, मैंने आपको कल 2-3 क्वेश्चन दिए थे, एक तो मैंने दिया था विश्व हिंदी सम्मेलन, मैंने पूछा था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के, आप लोगों ने लिखा नहीं मुझे लगता, आप लोगों या फिर याद नहीं होगा, दो चीजें होंगी, याद नहीं होगा या फिर लिखा नहीं आपने, ठीक है, या फिर आपका मन नहीं हुआ। एक तो इंपॉर्टेंट आईसीसी के चीफ कौन है मेरे दोस्त, या फिर एक तो बता दो मेरे दोस्त FIH, ठीक है, दो चीज बता दो इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त हैं, दो बता दो इंपॉर्टेंट बनेंगे। और क्वेश्चन नंबर एक बार फास्ट रिवीजन के लिए सभी लोग तैयार हो जाए, ठीक है भाई, फूड प्राइस, ठीक है भाई, बिल्कुल फूड प्राइस, बिल्कुल सुंदर जवाब है, इनका नाम है सिंथिया रोजनबर्ग, ठीक है, इनका नाम क्या है, सिंथिया रोजनबर्ग, ठीक है, रोजेनबर्ग इनका नाम है, बिल्कुल बढ़िया बात है, रोजेनबर्ग इनका नाम है, रोजेनबर्ग इनका नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठ जाएगा, ठीक है। इन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता था, ठीक है भाई, याद रख लो एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार के लाल हैं सर जी हम, बहुत बढ़िया बात है, तुम बिहार के लाल हो, क्या बात है, अच्छा बिहार के लाल हैं ईशान किशन, और तुम भी हो, अच्छा क्या बात है, झारखंड के मेरे दोस्त, ठीक है। एक बार इसका जवाब जल्दी से, मतलब हाल ही में वनडे के क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, उनका नाम क्या है, उनका नाम मेरे दोस्त ईशान किशन, बिल्कुल सुंदर, एक बार जल्दी से अब एक्सप्रेस अपनी दौड़ा दो, अब कुछ ना देखो, बस इसका नाम क्या रहेगा, एक्सप्रेस, बिल्कुल सुंदर सटीक जवाब, जल्दी सवार हो जाओ, ठीक है भाई। हाल ही में किस संस्थान ने मेरे दोस्त, हाल ही में किस संस्थान ने मेरे दोस्त, अभी हाल ही में किस संस्थान ने मेरे दोस्त मेट्रो के विस्तार के लिए 780 करोड़ का ऋण प्रोवाइड किया मेरे दोस्त, 780 करोड़ मिलियन का, मिलियन है मेरे दोस्त ऋण मंजूरी, तो इसका नाम ADB बैंक, ठीक है भाई। एक बार जल्दी से इनका ये कहाँ पे, WHO इनका नाम क्या है, जिनेवा में, कहां पे, जिनेवा में सर इसका मुख्यालय, ठीक है, जिनेवा में, इसका कहां पे, डब्ल्यू, इसका भी जिनेवा में सर, इसका भी जिनेवा में, इसका कहां पे, इसका सर द हेग, ठीक है, द हेग कहां पे, नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड, ठीक है, लिख लो नीदरलैंड, जिसको याद ना आप ये ना कहना सर आपने लिखा ही नहीं तो मैं लिख दूंगा, ठीक है, इसका भी जिनेवा में मेरे भाई, इसका भी जिनेवा में, इसका कहां पे, सार का, इसका सर काठमांडू नेपाल में, ठीक है, काठमांडू नेपाल के अंदर, IMF का वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में, वर्ल्ड बैंक का कहां पे, वर्ल्ड बैंक का जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में,
इसका भी वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी वर्ल्ड बैंक का है क्या, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी वर्ल्ड बैंक का है। आईएलओ कहाँ है, इसका भी जिनेवा में, ठीक है, आईएलओ कहाँ है, जिनेवा में, ठीक है। बचा कोई है, बिल्कुल कोई नहीं बचा, एक बार जल्दी से आप लोगों को याद हो गया, फिजी कंट्री था, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल जी, ठीक है, बिल्कुल जी, धोनी की जन्मभूमि से, बिल्कुल सुंदर सटी जवाब, इसका जवाब कह रहे एडीबी, ठीक है, इसका कहाँ पे, फिलीपींस मनीला, ये कौन सा, इसका क्या है, फिलीप मनीला में, ठीक है, मनीला, मनीला में, ठीक है, बिल्कुल जी, फिलीपींस में, ठीक है, इसका कहाँ पे, रोम इटली, ठीक है। मैंने देखो 10 मुख्यालय लिखे, सभी को याद होने चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाल ही में दीना बोलुआटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, पहली महिला बनी है, तो पहली महिला इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त बैठे, इससे पहले वो विवादों में रही, उनको हटा दिया गया, मैं तो उसके बाद ये बनी है पेरू की, ठीक है भाई, पेरू, इसको सुंदर और सटीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने, देखो इतना अगर बोर्ड भरा हुआ है तो आपको यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए, ठीक है। इतना बोर्ड क्यों भरते हैं हम, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चनों से रूबरू हो जाए। इसका जवाब कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्कू, ये कौन है, ये डिप्टी सीएम, ठीक है, डिप्टी सीएम इनका नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका नाम क्या है, मुकेश अग्निहोत्री, ठीक है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन सी बनी है, ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बता दो, एमसीडी पहली, इनका नाम क्या, बॉबी किन्नर, इसका सुंदर और सटीक जवाब बिल्कुल बैठने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैकलॉगलिन लेब्रोन और कितने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द, इनका नाम है मेंडो डुप्लांटिस, ठीक है, इनका नाम क्या है, मेंडो डुप्लांटिस, इनका नाम है, बिल्कुल सुंदर सटीक जवाब मेरे दोस्त बैठने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीडी में किसे अपना अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया था, इनका नाम क्या, इनका नाम मीनेश सीसा, ठीक है, इनका नाम क्या है, मीनेश सीसा, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स विकसित करने के लिए ब्रिटेन और किस देश के साथ, जापान ने समझौता, इसका जवाब क्या रहेगा, इटली के साथ किया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई बैठेगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया, तो बता देंगे 31 मार्च 2026 तक सर बढ़ा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बैठने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहाड़ों में रेन बेबलर चिड़िया की प्रजाति खोजी गई, तो इसका जवाब क्या रहेगा सर, बता देंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई बैठने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका की का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता, बता देंगे इनका नाम है कृष्णा कभी लाल, ठीक है, इसका सुंदर जवाब क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई बैठने वाला है, जो कि बिल्कुल सभी ने सही जवाब दिया है कि नहीं दिया, क्या बात है, ऑप्शन ए बिल्कुल जी, मोंडो डुप्लांटिस, क्या बात है, आप लोग भी चल रहे हैं लेकिन बहुत बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल सुंदर और सटीक जवाब मेरे भाई बैठने वाला है, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। ये कौन है, ये सर अपना प्लेटफॉर्म है, जिसने भी जीमेट से, जिसने भी प्ले स्टोर से डाउनलोड ना किया, जल्दी से जीमेट करके इसको डाउनलोड कर ले, ऐसे जीमेट डालोगे बढ़िया तरीके से खुल के आ जाएगा, उसके बाद आपको थोड़ी सी नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड भर के रजिस्टर कर लेना मेरा भाई, जिस ठीक है, यहाँ पे अपना यहाँ पे नंबर डाल लेना जिस नंबर से आपने लॉग इन किया है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बनाना, लॉग इन कर लेना, ठीक है भाई, रजिस्टर किया, ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पे सारे कोर्स अवेलेबल रहेंगे मेरे दोस्त, आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है, जिस थ्योरी का आपको कोर्स चाहिए, ठीक है, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं मेरे दोस्त, फोन पे, गूगल पे, किसी माध्यम से, ठीक है भाई, और ये अपने सारी ऐप के अंदर की क्लासेस रहती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी आपको क्लासेस अवेलेबल, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों आप पढ़ सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद ये बने, ये आपका ड्रीम ईएलपी बैच अभी चल रहा है, इसकी मात्र फीस 2199 रुपए रखी गई है, जो कि आपको पूरे आपके एएलपी की तैयारी के लिए सहायता करेगी, ठीक है भाई, बिल्कुल जी सुंदर सटीक जवाब है, ठीक है। ये सीबीटी वन, ये कंप्लीट एएलपी बैच है, मैं तो जिसमें सीबीटी वन, सीबीटी टू, इसकी वैलिडिटी 12 मंथ रहेगी, ठीक है भाई, बिल्कुल जी, इसकी फीस मात्र 1620 रुपये है, आप इसको इस क्लास से अपनी तैयारी को और बेहतरीन में दोस्त कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर जी, भैया पीडीएफ ऐप में अंदर मिलेगी, ठीक है, यूट्यूब, ये तो सुबह 7 बजे मैं आ गया, कब 7 बजे करंट अफेयर की क्लास लेके, उसके बाद ये आ जाएंगे 8 बजे सर, ठीक है, फिटर वाले सर हैं, 9 बजे मैथ के सर आ जाएंगे मेरे दोस्त 9 AM पे, और जनरल साइंस की मैडम आ जाएंगी 4 PM के, उसके बाद फिर 9 PM के मैथ वाले सर आएंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेगा 10 बजे। वीडियो को जिसने लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ना किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद वीडियो को एक बार मेरे दोस्त लाइक भी कर दिया करो, जितने लोग देख रहे भाई उतने कम से कम कर दिया करो मेरे भाई, ठीक है, और चैनल और मेरे दोस्त और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है भाई, जिससे कि सभी लोगों के पास ये महत्वपूर्ण क्लास पहुंच सके, जिससे कि सभी लोगों का भला हो सके, ठीक है, थैंक यू भाई, लव यू टू ऑल, बढ़िया तरीके से मेरे भाई मेहनत करते रहो, ठीक है, ओके भाई।